Hello students, and welcome to my channel. In this video, we shall study proper nouns of your class 3 grammar 12 book. In the previous video, we had read about common nouns. पिछली वीडियो में हमने common nouns क्या है उसे chapter 1 में अच्छे से समझा था. ठीक है, उस chapter में हमने पढ़ा था nouns किसे कहते हैं. Nouns क्या है बच्चों? Nouns are naming words. क्या words है? Naming words है. किसके लिए use होते हैं? People, places, animals, birds and things के लिए use होते हैं. ठीक है? Example के तौर पे जैसे lion, bulbul, school, father, tomatoes, ये सब आपके common nouns है. ठीक है? Common nouns जो है ना बच्चों, इन्हें हम general names के तौर से समझते हैं. किन चीजों के लिए? थिंग्स के लिए, पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर प्लेसेस के लिए. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउंस किसे कहते हैं. अब कॉमन नाउंस हमें जनरल नेम्स बताते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउंस जो है ना बच्चों, वो स्पेसिफिक नेम्स है फॉर कॉमन नाउंस. प्रॉपर नाउंस आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर कॉमन नाउंस. और कॉमन नाउंस क्या है? वो जनरल नेम्स है. ठीक है, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है. अब आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्रॉपर नाउंस, कैसे हम प्रॉपर नाउंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस. तो कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब देखिए, मीट मिस्टर शर्मा. ये जो पिक्चर में है, ये एक आदमी है, इनका नाम है मिस्टर शर्मा. ही इज गोइंग टू द गांधी पार्क. कहाँ जा रहे? गांधी पार्क जा रहे हैं. हिज पेट डॉग ब्रूनो इज आल्सो गोइंग अलोंग विद हिम. वो किसके साथ जा रहे? अपने पालतू कुत्ता ब्रूनो के साथ. ओके, अब इन सब वर्ड्स जो हाइलाइटेड है, जैसे मिस्टर शर्मा, गांधी पार्क, ब्रूनो, ये सब आपके प्रॉपर नाउंस है. ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन नहीं है? क्योंकि इनका स्पेसिफिक सा नाम है. क्योंकि व्हाट आर नाउंस? नाउंस आर दोस नेमिंग वर्ड्स फॉर पीपल. तो मिस्टर शर्मा एक पर्सन है, वो हो गया कॉमन नाउन. ठीक है, पर्सन जो है, आदमी जो है, वो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन वो पर्सन का नाम मिस्टर शर्मा है, वो प्रॉपर नाउन. ठीक है, अब ही इज गोइंग टू द गांधी पार्क. अब इसमें नाउन क्या है? पार्क है. ठीक है, अब पार्क जो है बच्चों, एक प्लेस का नाम है और ये आपका कॉमन नाउन है. पार्क का नाम क्या है? गांधी पार्क. तो गांधी पार्क आपका हुआ प्रॉपर नाउन. नाउन हुआ पार्क, कॉमन नाउन भी पार्क है, क्योंकि बहुत सारे पार्क्स हो सकते हैं, हमें पता नहीं है पार्क का नाम क्या है. तो गांधी पार्क अगर हम बताएंगे, तो ये जो वर्ड गांधी पार्क है, ये आपका नाम बताता है उस पर्टिकुलर पार्क का. इसलिए गांधी पार्क होता है आपका प्रॉपर नाउन. His pet dog Bruno. अब इस सेंटेंस में नाउन क्या है? एनिमल डॉग है. ठीक है, अब उस डॉग का नाम क्या है? Bruno. So Bruno हो गया आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पर्टिकुलर डॉग का नाम हमें पता है, तो वो Bruno आपका प्रॉपर नाउन है. द हाइलाइटेड वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन्स. नाउ मंडे इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ वीक डे. प्रॉपर नाउन्स को आपको ऐसे याद रखना है कि ये है स्पेसिफिक नेम्स. जैसे आपका वीक डे, कितने वीक डेज है? 7 डेज है. सो अगर मैं वीक डे समझू, तो ये आपका हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर कौन सा डे है नहीं बता रही हूँ. ठीक है, अगर मैं बोलू मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे, तो फिर ये जो नाम हुए डेज के, ये आपके प्रॉपर नाउन. ठीक है, नेक्स्ट, वरुण इज द नेम ऑफ वन स्पेसिफिक बॉय. बॉय इज योर कॉमन नाउन. कोई भी लड़का हो सकता है, हमें पता नहीं है उसका नाम, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया कि वरुण इज द नेम ऑफ वन स्पेसिफिक बॉय. सो वरुण इज योर प्रॉपर नाउन. सिमिलरली देर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड.
वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, सो कंट्री हमारा कॉमन नाम हुआ। लेकिन अगर हमें बताया जाए एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया हुआ आपका प्रॉपर नाम। सो कंट्री इज अ कॉमन नाउन व्हाइल इंडिया इज अ स्पेसिफिक कंट्री। प्रॉपर नाउन्स मतलब हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर नेम, ठीक है। सो इंडिया इज अ स्पेसिफिक कंट्री एंड हेंस इट इज अ प्रॉपर नाउन। लेट्स सी सम मोर प्रॉपर नेम्स ऑफ अ फ्यू कॉमन थिंग्स। जैसे पहला पिक्चर में आपका क्या है, नूडल्स है। नूडल्स इज अ कॉमन नाउन। कोई बहुत सारे टाइप ऑफ नूडल्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे मैगी नूडल्स, टॉप रेमन, वाई वाई, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं। तो नूडल्स हुआ आपका कॉमन नाउन एंड मैगी अगर नाम दिया गया है तो वो हुआ आपका प्रॉपर नाउन। सिमिलरली सेकेंड में देखिए, नटराज पेंसिल। सो पेंसिल है आपका कॉमन नाउन एंड नटराज पेंसिल आपका हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो पेंसिल का कौन से कंपनी का है, नटराज कंपनी का है, ठीक है। सेकेंड थर्ड वाला देखेंगे, अप्सरा पेंसिल। पेंसिल इज योर कॉमन नाउन, नेम ऑफ द पेंसिल इज अप्सरा, सो इट इज योर प्रॉपर नाउन। नाइके शूज, शूज आपका कॉमन नाउन हुआ। अब बहुत सारे कंपनीज के शूज बनते हैं, नाइके, प्यूमा, रिबॉक, एडिडास, ऐसे। तो यहाँ पर नाइके शूज दिया है, सो नाइके शूज इज योर प्रॉपर नाउन। अब दूसरा पिक्चर देखेंगे, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। अब कॉर्नफ्लेक्स जो है आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन, और कौन से कंपनी का कॉर्नफ्लेक्स है, केलॉग्स कंपनी का, सो केलॉग्स इज योर प्रॉपर नाउन। दूसरा पिक्चर देखेंगे, अमूल चीज। अब देखिए, चीज इज योर कॉमन नाउन। बहुत सारे कंपनीज के चीज बन रहे हैं आजकल, जैसे अमूल चीज, ब्रिटानिया चीज, गो चीज। सो यहाँ पर आपका जो कंपनी का नाम है वो है अमूल, जो ब्रांड का नाम है, इसीलिए अमूल इज योर प्रॉपर नाउन एंड चीज इज योर कॉमन नाउन। अब तीसरा, फोन देखिए, नोकिया फोन। फोन तो बहुत सारे ब्रांड्स के बन रहे हैं आजकल, ठीक है। नोकिया इज योर पर्टिकुलर ब्रांड एंड दैट इज योर प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन हुआ आपका फोन। वैसे ही दूसरा, चौथा पिक्चर देखिए, कैडबरीज चॉकलेट। चॉकलेट बहुत सारे कंपनीज के बन रहे हैं, सो चॉकलेट इज योर कॉमन नाउन एंड कैडबरीज कंपनी का जो है वो आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, अब आपको क्लियर हो गया नाउन्स क्या है, कॉमन नाउन्स क्या है एंड प्रॉपर नाउन्स क्या है। अभी वी विल डू वर्कशीट नंबर वन। वर्कशीट नंबर वन में यूजेज एंड कंपोजिशन। राइट द नेम्स ऑफ फाइव बुक्स ऑफ चिल्ड्रंस मूवीज, वन इज डन फॉर यू। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, किसी भी पांच किताबें या बच्चों का मूवी जो आपने देखा है उसको आपको लिखना है नोट पे, ठीक है। आई एम श्योर अभी क्लास थ्री में है आप, बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगे हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन के मूवीज देख रहे हैं, तो उनमें से आप कोई भी चार मूवीज का नाम लिख दीजिए, क्योंकि एक ऑलरेडी आपके लिए किया गया है। आंसर्स मैंने दिया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई तो इनमें से कोई आप लिख सकते हैं। अब सेकेंड वाला देखेंगे, स्टिक एटलीस्ट फाइव पिक्चर्स ऑफ कैरेक्टर्स और थिंग्स एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ बुक्स और मूवीज यू हैव रिटन प्रीवियस। अब आप जो भी बुक्स लिखेंगे ना या चिल्ड्रन मूवीज लिखेंगे उसके उसमें जो कैरेक्टर्स है उनका पिक्चर बनाएंगे। जैसे देखिए, मैंने पंचतंत्र बुक लिखा है ना, या फिर पंचतंत्र बुक में आप द टर्टल एंड द फ्रॉग के स्टोरी का पिक्चर एक बना सकते हैं। उसमें एक टर्टल बना लीजिए और एक फ्रॉग बना लीजिए, ठीक है। अब एलिस इन वंडरलैंड एक और बुक है, या मूवी भी बन गई है एलिस इन वंडरलैंड में, उसका आप एलिस करके एक लड़की का फोटोग्राफ चिपका सकते, ठीक है। अब जंगल बुक में तो आप सबको पता है मोगली है, ठीक है, तो मोगली का एक फोटो बना दीजिए, ओके। वैसे आप ब्लैक ब्यूटी जो है, ब्लैक ब्यूटी इज अबाउट अ हॉर्स, तो एक हॉर्स का फोटो बना सकते हैं, उसको ब्लैक कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने आप करेंगे, ओके। अब वर्कशीट टू करते हैं, हेल्प ऑली द ऑक्टोपस। यहाँ पर ऑली एक ऑक्टोपस का नाम है, सो ऑली इज द प्रॉपर नाउन। हेल्प ऑली द ऑक्टोपस टू राइट टू प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए। व्हाट आर दीज कॉमन नाउन्स, पीपल, कंट्रीज, प्लैनेट्स,
places, cartoon characters, and books. These are all your what nouns. There are कॉमन नेम्स. अब इनके नीचे हम दो दो प्रॉपर नाउन्स के नाम लिखेंगे. पीपल के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हैं. कंट्रीज के नीचे आप एनी टू कंट्रीज का नाम लिखिए, इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कोई भी कंट्री का नाम लिखिए. फिर प्लैनेट्स के नीचे, यू नो देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, ये सब प्लैनेट्स के नीचे लिखिए. प्लेसेस, कोई भी दो जो प्लेसेस आपने विजिट किया है वो लिखिए. कार्टून कैरेक्टर्स, आपके पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर्स कौन कौन पसंद है आपको, डोरेमोन, शिनचैन, मिकी माउस, जो भी है वो लिखेंगे. फिर बुक्स में जो भी दो बुक्स आपने पढ़े हैं उनके नाम लिखेंगे. ठीक है, स्पेसिफिक नेम्स ऑफ दिस पीपल, कंट्रीज, प्लैनेट्स, बुक्स, कार्टून कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस. आंसर्स हैव बीन डन फॉर यू. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कोई भी नाम देखकर. अब वर्कशीट थ्री करेंगे. सॉर्ट द गिवन नाउन्स अंडर गिवन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन कॉलम्स. रिमेंबर टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स विद द कैपिटल लेटर. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सॉर्ट द गिवन नाउन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्ट, छांटना. ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है यहाँ पे हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं. इनमें कॉमन नाउन्स भी है, प्रॉपर नाउन्स भी है. क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि दो कॉलम बनाइए, छांटिए या फिर सॉर्ट कीजिए कौन सा आपका कॉमन नाउन है, कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है. दो कॉलम्स में इन्हें लिखिए. और जो प्रॉपर नाउन्स है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इट, प्रॉपर नाउन्स Always begin with the capital letter. Okay. तो पहला वाला हम करते हैं. पहले हम क्या करेंगे, दो कॉलम्स बनाएंगे. ठीक है, दो कॉलम्स बनाकर एक में लिखेंगे कॉमन नाउन, दूसरे में लिखेंगे प्रॉपर नाउन. अब एक एक करके देखेंगे. कार क्या है, कार इज योर, इट इज अ नाउन. What noun is it? It is a common noun. क्योंकि बहुत companies के cars हैं. ठीक है, so car is your common noun. तो car को हम लिखेंगे common noun के column में. Next is Maruti. Maruti company जो है वो cars बनाता है. So we know the particular brand of the car. इसलिए Maruti जो है आपका proper noun है. और यहाँ पर देखिए Maruti का M capital में शुरू हो. Third है hospital. कौन सा hospital आपको पता है, नहीं, इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल आपका कॉमन नाउन. नेक्स्ट है गुजरात. गुजरात इज अ स्टेट, यू नो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, इट इज गुजरात. सो गुजरात आपका प्रॉपर नाउन हुआ एंड जी गुजरात में कैपिटल होगा. अब स्टेट, कौन सा स्टेट है आपको पता है, नहीं, बहुत सारे स्टेट्स है तो स्टेट आपका कॉमन नाउन हो, राइट इट अंडर कॉमन नाउन. अपोलो हॉस्पिटल, अब देखिए हॉस्पिटल कॉमन नाउन, कौन सा हॉस्पिटल का नाम, नाम बताया गया है अपोलो हॉस्पिटल. सो अपोलो हॉस्पिटल इज योर प्रॉपर नाउन. अपोलो हॉस्पिटल प्रॉपर नाउन के कॉलम में लिखेंगे एंड ए जो है बच्चों कैपिटल होगा. नेक्स्ट इज टूथपेस्ट. टूथपेस्ट बहुत सारे कंपनीज के हैं, कॉलगेट है, फिर बिनाका है, है बहुत सारे टूथपेस्ट है. ठीक है, इसीलिए टूथपेस्ट इज योर कॉमन नाउन. बैंक, बैंक इज अगेन कॉमन नाउन. आपको क्या पता है कौन सा बैंक है, क्या वो स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, नहीं पता. सो जस्ट बैंक है मतलब वो आपका कॉमन नाउन है. अब यमुना, यमुना इज द नेम ऑफ अ रिवर. सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन एंड वाई आपका यमुना में कैपिटल. नेक्स्ट इज बीच. कौन सा बीच है आपको पता है, नहीं. सो बीच इज योर प्रॉपर कॉमन नाउन. हिंदुस्तान टाइम्स, अब हिंदुस्तान टाइम्स जो है ना बच्चों वो एक न्यूज़पेपर का नाम है. इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. सो हिंदुस्तान टाइम्स इज योर प्रॉपर नाउन और इसमें एच कैपिटल, टी कैपिटल. ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर तो बहुत किस्म के फ्लावर्स हैं, बहुत वराइटीज के फ्लावर्स हैं. सो फ्लावर इज योर कॉमन नाउन. फ्लावर आप लिखेंगे कॉमन नाउन. अगर रोज फ्लावर होता या लोटस फ्लावर होता तो होता प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज हैरी पॉटर. आप सबने हैरी पॉटर बुक या मूवी देखा होगा. तो हैरी पॉटर इज अ नेम ऑफ अ बुक और अ मूवी. सो इट इज अ प्रॉपर नाउन और इसको हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन के कॉलम में. एच हैरी का कैपिटल होगा और पी पॉटर का कैपिटल होगा.
नेक्स्ट टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, क्या आपको पता है कौन से टेम्पल के बात कर रहे हैं? नहीं, सो टेम्पल इज योर कॉमन नाउन. अब कैनेडा, कैनेडा इज योर प्रॉपर नाउन. सो सी कैपिटल एंड कैनेडा. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के बारे में तो सबको पता है, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन इन विच एम इज कैपिटल एंड जी इज कैपिटल. सो इस तरीके से आप सॉर्ट करेंगे इनटू कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन एंड यू विल राइट द प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर. नेक्स्ट वी विल डू वर्कशीट नंबर 4. हेलो फ्रेंड्स, आई एम पेनी द पेंगुइन. I want you to circle the common nouns and underline the proper nouns in the following sentences. तो यहाँ पर एक एनिमल है पेंगुइन. पेंगुइन इज अ कॉमन नाउन. उसका नाम है पेनी. सो पेनी इज द प्रॉपर नाउन. इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये करना है कि जो सेंटेंस है उसमें आप देखेंगे कॉमन नाउन्स क्या है और उनको सर्कल करेंगे. प्रॉपर नाउन्स ढूंढेंगे उसी सेंटेंस में और उसको अंडरलाइन करेंगे. ओके, सो लेट अस डू द फर्स्ट वन. एनिक ब्लेटन हैज रिटन मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स. एनिक ब्लेटन जो है उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लिखे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर इस सेंटेंस में ढूंढिए कि आपको हो रहा है और आपको हो रहा है. एक ऑथर का नाम है जो बुक्स लिखती है. शी इज अ फीमेल. ओके, सो वी विल व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन. ओके, एंड सॉरी, वी हैव टू अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन. तो हम बुक्स को सर्कल करेंगे और एनिट ब्रिटन जो है उसको हम अंडरलाइन करेंगे. दूसरा है आई लिव इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली जो है आपका प्रॉपर नाउन है, सो इसको आप अंडरलाइन करेंगे. सी देखिए, वी हैव अ हॉलीडे ऑन थर्सडे. थर्सडे जो है एक स्पेसिफिक दिन का नाम है, सो इट इज अ व्हाट नाउन इज इट? इट इज अ प्रॉपर नाउन. ना हॉलीडे जो है आपका कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी दिन आपका हॉलीडे हो सकता है. डी कैरेट इज अ वेजिटेबल. अब वेजिटेबल जो है बहुत तरीके से है, सो वेजिटेबल इज योर कॉमन नाउन एंड कैरेट इज योर प्रॉपर नाउन. सुरेश इज रीडिंग अ मैगजीन. सुरेश जो है एक लड़के का नाम है, सो सुरेश इज प्रॉपर नाउन. मैगजीन इज अ कॉमन नाउन. बहुत तरह के मैगजीन्स हैं. ठीक है, एफ करेंगे. टाइगर्स एंड लायंस आर फियर्स एनिमल्स. एनिमल्स कॉमन नाउन क्योंकि बहुत तरह के एनिमल्स हैं. एंड टाइगर्स एंड लायंस आर ऑल्सो योर कॉमन नाउन क्योंकि अगर हमें टाइगर का नाम पता होता या लायन का नाम पता होता तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते. बट टाइगर्स एंड लायंस एंड एनिमल्स ये तीनों ही आपके कॉमन नाउन्स हैं. अब जी, द रेड फोर्ट इज एन ओल्ड मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट जो है आपका कॉमन नाउन है एंड रेड फोर्ट इज योर प्रॉपर नाउन. ठीक है, सो इस हिसाब से आंसर्स मैंने कर दिए हैं आपके लिए. आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर आंसर्स देखिए क्योंकि आपको अभी समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स क्या है. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ओली द ऑक्टोपस वांट्स यू टू राइट डाउन नेम्स ऑफ पर्संस प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स विद द गिवन लेटर्स. अब क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर एल एस एन पी तीन अल्फाबेट्स दिए गए हैं. ठीक है, और उनसे स्टार्टिंग आपको पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स लिखना है. मैंने कुछ आंसर्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे थॉट्स एंड वीडियोस. इन स्कूल यू सी सम स्टूडेंट्स हु स्क्रिबल द नेम्स ऑन स्कूल डेस्क एंड वॉल्स. Do you think it is a good habit? अब जैसे आप अपने स्कूल में देखे होंगे कि बहुत बच्चे हैं जो अपने स्कूल के डेस्क पे या दीवारों पे कुछ ना कुछ मतलब पेंसिल से या पेन से कुछ लिखते रहते हैं. तो आपको क्या लगता है ये अच्छी हैबिट है? नहीं. ठीक है, सो प्लीज क्लिक ऑन नो.
ठीक है, क्योंकि हमें वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड बी पर्टिकुलर अबाउट द सराउंडिंग्स। ठीक है, ये स्कूल का प्रॉपर्टी है, अगर भी नहीं है आपके घर के दीवारों और टेबल्स पे भी आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू द एंड ऑफ योर चैप्टर प्रॉपर नाउंस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। नोटिफिकेशन बटन पर ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। और एक चीज बच्चों, आप कुछ भी डाउट है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू।